हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक बार फिर से सरस्वती माँ का नमन करते हुए आज इस 11th क्लास के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर, यानी जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, उसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो है टर्म एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स में, ठीक है, कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स क्या है। तो आप ये जानते हो कि सब्सटेंस का मेजरमेंट जो हमने लास्ट टॉपिक में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो मेजरमेंट्स क्या होता है, तो मेजरमेंट जो होता है वो एक बैकबोन होता है, या तो फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो। अगर मेजरमेंट सही ढंग से नहीं होता है, तो जब तक आपका एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, तब तक आप किसी एक खास निष्कर्ष पे आप नहीं पहुंच सकते हो, कोई खास डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो वैसे कोशिश हम लोग की यही रहती है कि हम लोग जो है एक एक्यूरेट मेजरमेंट्स करना स्टार्ट करें, एक्यूरेट मेजरमेंट मिले किसी भी चीज का, ठीक है। तो बट फिर भी उसमें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर्स जरूर मिल जाते हैं, ठीक है। ज्यादा एरर नहीं मिल रहा है, बहुत ही कम मिल रहा है, जैसे मान 0.000 समथिंग का ही एरर मिल रहा है, लेकिन मिलता जरूर है। तो उसमें कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा वैल्यू हमारे लिए मोर एक्यूरेट है, कौन सा वैल्यू मोर प्रेसाइज है, ठीक है। तो एक्यूरेसी और प्रेसिजन, ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी और प्रेसिजन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टडी करें कि एक्यूरेसी क्या है। तो एक्यूरेसी है कि इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ए स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू। यानी कि देखिए, आपके पास किसी भी सब्सटेंस का एक ट्रू वैल्यू दिया गया, ठीक है, और उस ट्रू वैल्यू के अलावा कुछ और भी ऐसे आपको वैल्यूज मिल रहे हैं जो उस ट्रू वैल्यू के काफी क्लोज हैं, तो क्या कहलाएंगे, एक्यूरेसी कहलाएंगे, यानी कि एक्यूरेट कहलाएंगे, और वो एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हम प्रिसीजन की बात करें, तो प्रिसीजन में क्या होता है कि इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर। अब देखिए, एक आपने जो ट्रू वैल्यू लिया, अब उस ट्रू वैल्यू के अलावा आपके पास मेजरमेंट में कुछ और वैल्यूज मिल रहा है, तो वो वैल्यूज या तो ट्रू वैल्यू की या तो काफी क्लोज है, और नहीं है तो आपस में ही काफी क्लोज है, तो जो आपस में क्लोज कहलाएंगे तो आप प्रिसीजन कहलाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि दे आर प्रिसाइज टू इच अदर, ओके। तो अब जैसे सपोज कि दिस इज अ मार्कर, और इसका अगर हम मास लेते हैं, तो मास अगर हम लेते हैं 6 ग्राम, सपोज कि हमने मास ले लिया 6 ग्राम, ठीक है। और तो ये 6 ग्राम क्या मिला हमको, तो ये 6 ग्राम हमको मिला ट्रू वैल्यू मास के टर्म में, और किसका मास, तो हमने मार्कर था मास, ठीक है। अब जो है, अब है कि इस वैल्यू के, अब ये तो हमारा ट्रू वैल्यू है, बट मेजरमेंट किया जा रहा है, तो मेजरमेंट में हमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, सपोज करो कि अगर हमने फर्स्ट टाइम मेजर किया, तो हमें बस 2 वैल्यू मिल रहा, ठीक है। अब वो 2 वैल्यू क्या है, तो 2 वैल्यू है कि एक जो वैल्यू है वो आपका 5.99 ग्राम, दूसरा है 6.02 ग्राम, ठीक है। तो अब देखो, ये जो 2 वैल्यू हैं, ये 2 वैल्यू क्या है, वो इस ट्रू वैल्यू के काफी क्लोज है या नहीं है, है
देखो हमने क्या बोला, क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू, यानी कि ए मेजर्ड वैल्यू का क्लोजनेस किसके हो, तो टू ए स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू, ये जो आपका ट्रू वैल्यू उसके उसके क्या है, ये क्लोज है तो ये एक्यूरेट कहलाएंगे। चलो भाई इसके हम क्या लिखेंगे, ये एक्यूरेट है कि नहीं, ठीक। और ये दो वैल्यू ठीक है आपस में प्रिसाइज है कि नहीं, तो इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स टू इच अदर, ये भी आपस में एक दूसरे क्या है क्लोज, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ओके अब जो है अगर सपोज कि हमने इसका जो वैल्यू लिया सेकेंड टाइम, अगर हमने इसको मेजर किया तो सेकेंड टाइम मेजर करने में हमको वैल्यू मिल रहा है 5.95 ग्राम एंड या 5.94 ग्राम एंड 5.96 ग्राम, ये हमको दो वैल्यू मिले ठीक है। तो जब ये दो वैल्यू मिले तो आप ये दो वैल्यू आप क्या देख रहे हो कि 6 ग्राम के काफी क्लोज है तो नहीं है, यानी कि ट्रू वैल्यू के काफी क्लोज नहीं है। तो जब ट्रू वैल्यू के काफी क्लोज नहीं है तो हम यहां लिख सकते हैं नॉट एक्यूरेट, क्या लिख सकते हैं, तो नॉट एक्यूरेट, बट दिस टू वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू इच अदर, ये दोनों एक दूसरे क्या है काफी क्लोज है, तो जब काफी क्लोज है तो दे आर प्रिसाइज, नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। बात समझ में आया ये चीज, ये सेकेंड टाइम हो गया। थर्ड टाइम अगर हम मेजर कर रहे हैं ठीक है, तो यहां से अगर सपोज करो 5.95 ग्राम आ रहा है और 6.04 ग्राम आ जा रहा है, ये दो वैल्यूज मिल रहे। अब हम ये बताओ क्या ये दो वैल्यू इस 6 ग्राम के काफी क्लोज है, तो नहीं है, तो ना ही एक्यूरेट, एक्यूरेट भी नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि क्या ये दो वैल्यू आपस में भी एक दूसरे के काफी क्लोज है, तो वो भी नहीं है, तो काफी डिस्टेंस में मतलब काफी डिफरेंसेस है, तो हम यहां से कह सकते हैं नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। तो आई होप कि अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहां जो है आपने देखा कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम कैलकुलेशन करने पर कुछ वैल्यूज हमें एक्यूरेट प्रिसाइज मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे। अब जो है अगर हम बात करें कि ये जो दो वैल्यू आपके पास, तो इन दोनों वैल्यू में मोर एक्यूरेट कौन होगा, इस 6.00 के मोर एक्यूरेट कौन होगा, मोर एक्यूरेट होगा ये, चूंकि यहाँ पे क्या किसका डिफरेंस है, तो 0.01 का डिफरेंस है, यहाँ 0.02 का डिफरेंस है, तो ये जो है इन दोनों वैल्यूज में ये आपके मोर एक्यूरेट होंगे, ये बात समझ में। अब जो है अगर सपोज कि हमने यहां पर एक वैल्यू लिया 5.94 ग्राम ले लिया और एक वैल्यू हमने लिया 5.94532
2.1 ग्राम। तो अब ये बताओ कि ये दोनों वैल्यू जो है क्या वो इसके एक्यूरेट वैल्यू है? तो नहीं है। तो जब ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है तो ये क्या होंगे? ये प्रिसाइज हो सकते हैं। प्रिसाइज कैसे होंगे? तो प्रिसाइज इसलिए है क्योंकि क्या है, ये एक दूसरे के काफी क्लोज है। इसके बाद यहां से 0 0 0 होगा, ठीक है। और ये क्या है, तो और भी जो है ना 4 डिजिट तक जो है ये कैलकुलेशन कर रहा है, तो ये हमें इससे कहीं ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है कि इन दोनों में अगर हम बात करें तो इन दोनों में मोर प्रिसाइज कौन होगा? तो मोर प्रिसाइज ये होंगे, ये आपके हो जाएंगे मोर प्रिसाइज। बात समझ में आई? तो इस तरीके से जो है हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो और इसके बाद जो है हम इसको इरेज करें, ठीक है। अब देखिए यहां से अब हम क्या करेंगे कि इस एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने के लिए हम एक और तरीका जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वो तरीका जो है चलो हम लोग 4-4 ले लेते हैं। ठीक है, अब जो है यहां से धन, अगर जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा निशानेबाजी के केस में, ठीक है, कि जब ट्रेनिंग दी जाती है हमारे फोर्सों को या फिर किसी भी पुलिस विभाग या फिर हमारे फौज को, तो ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है कि निशाना लगाना सिखाया जाता है, ठीक है। और निशाना लगाने के लिए एक सामने एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड पे कुछ ऐसे ही सर्किल बने होते हैं और कहा जाता है कि इन सर्किल के सेंटर में यहां पर हमें निशाना लगाना है, ठीक है। तो चलो मान लिया कि किसी ने निशाना लगाना शुरू किया, वो निशाना हमारा ट्रू वैल्यू कहां होगा इसमें? तो ट्रू वैल्यू होगा हमारा सेंटर में। क्यों? क्योंकि हमें सभी के लिए, चारों के लिए कंडीशंस क्या है कि कंडीशंस है कि उनको यहीं पर निशाना लगाना है। तो जब ट्रू वैल्यू हमारा ये है अभी जो देख रहे हो, तो जब वो निशाना लगा रहे हैं तो एक यहां कभी यहां लग रहा है तो कभी यहां लग रहा है तो कभी यहां लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये एक्यूरेट होंगे या नहीं होंगे? लग तो रहा है ऐसे सेंटर पे, चलो तो ये एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट, ओके। अब देखो एक्यूरेट है, अब ये चारों जो निशानाबाजी जो किया गया है यहां पे, ये सभी क्या है, एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, तो क्लोज है तो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज दोनों है बाबू। इतना बात समझ में आया? चलो अब जो है अगर मान लो कि निशाना यहां लगा, निशाना यहां लगा और ये क्या है, एक दूसरे के एक्यूरेट है, ठीक है, या फिर एक दूसरे के प्रिसाइज है। तो देखो हमारे ट्रू वैल्यू यहां था, ट्रू वैल्यू के एक ही सर्किल में, ट्रू वैल्यू के मतलब इस
सेंटर के अराउंड एक ही सर्कल में ये चारों निशाने लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगे, एक्यूरेट होंगे। होंगे बट प्रिसाइज प्रिसाइज नहीं होंगे क्योंकि एक दूसरे क्या है काफी क्लोज नहीं है, बट नॉट प्रिसाइज, ठीक है। अब जो है ये हो गया, नेक्स्ट की अगर कुछ निशाने यहां लग रहे हैं, ठीक है, तो अब हमें ये बताओ कि ये क्या होंगे। ट्रू वैल्यू हमारा यहां है, ठीक है, तो इसके क्लोज तो ये है नहीं, जब ये क्लोज नहीं है तो ये क्या होगा, नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं है, बट दीज फोर वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू इच अदर, इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स टू इच अदर, तो दीज वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू इच अदर, तो बट नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज, ठीक है, ये चीज हो गया। अभी इसका यह हमारे यहां पर ट्रू वैल्यू होता, इसके ना ही एक क्लोज है और ना ही ये सारे वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज है, तो क्या ये एक्यूरेट है, तो एक्यूरेट भी नहीं है, नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, एक बार फिर से इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आपके पास ये चार निशानेबाजी के बोर्ड्स हैं, कोई निशाना लगा रहा है, ठीक है, तो जब कोई निशाना लगा रहा है तो ये हमारा सेंटर है जहां पर हमको निशाना लगाना है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू हमारा ये है, ठीक है, और निशाना सारे के सारे यहीं पे लग रहे हैं तो ये एक्यूरेट होंगे, ठीक है, और ये सारे एक दूसरे क्लोज भी हैं तो प्रिसाइज भी होंगे, क्योंकि एक्यूरेसी क्या कहता है कि क्लोजनेस होना चाहिए स्टैंडर्ड वैल्यू के या ट्रू वैल्यू के, और प्रिसीजन क्या कहता है कि जो टू और मोर देन टू मेजरमेंट्स आते हैं उनके बीच क्लोजनेस आना चाहिए, तो यहां पर मोर देन टू मेजरमेंट्स है एंड ऑल आर वेरी क्लोज टू इच अदर, ओके, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, याद ध्यान दो, दे आर एक्यूरेट बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द स्टैंडर्ड वैल्यू, बट दे आर नॉट क्लोज टू इच अदर, सो they are accurate but not precise, and here these four values are very close to each other but they are not close to the standard value, okay, so they are precise but not accurate, and here you see there are four values which are not close to the standard value and also not close to each other, so they are neither accurate nor precise. और ये accuracy और precision का बहुत ही important concept था और बहुत हमने easy way में इसको explain किया है। आप इसको एक बार और video को देखोगे तो आप इसको काफी अच्छे ढंग से समझ जाओगे और कभी भी life में दोबारा आपको accuracy और precision में problem नहीं होने वाली है, ठीक है, तो इस बात को भी आप नोट कर लो, और आज के लिए इतना ही, थैंक्स।